हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के अपन इस क्लास के अंतर्गत एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड, कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, उसकी एग्जाम कब होगी, उसमें कितनी सीटें हैं। फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस क्लास में फर्स्ट ग्रेड का आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी मेरी क्लास लेने के बाद के अंदर। अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड, स्पेशली बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत अदर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, जो भी अदर सब्जेक्ट के बारे में अपन फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उस एग्जाम के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है। आप तैयारी करने से पहले उस एग्जाम को अच्छे तरीके से समझिए कि वो एग्जाम है उसके अंतर्गत उससे रिलेटेड क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठते हैं, क्या सिलेबस होता है। जिस कंपटीशन की दोस्तों आप तैयारी करते हो, उस कंपटीशन का आपका सबसे पहले आपकी टेबल के ऊपर क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। एग्जाम के अंतर्गत विदाउट सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, समझो, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो अभी वैकेंसी आ रही है 29,000 वैकेंसी इसी मंथ डिक्लेयर हो जाएगी, और अगले मंथ से मतलब दिसंबर के अंदर फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भरने शुरू होंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड की जो सीट है, नंबर ऑफ सीट है, वो कितनी है, 5,000 सीट आ रही है। फर्स्ट ग्रेड की कितनी सीटें आ रही है, 5,000 वैकेंसी डिक्लेयर कब हो जाएगी, दिसंबर के अंदर। इसके अंतर्गत जो बच्चा क्वालिफाइड कौन है, जिन्होंने 12th कर रखी है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसने पीजी कर रखी है, ग्रेजुएशन का मतलब बी लेवल की कोई डिग्री, और पीजी का मतलब इसके अंतर्गत एम लेवल की कोई डिग्री कर रखी है और बीएड कर रखी है, वो स्टूडेंट है, वो इस एग्जाम देने के क्या होता है, लायक होता है। इस एग्जाम के अंदर अपन बात करें, सबसे पहले एग्जाम होगी, उसके बाद में कट ऑफ निकलेगी, उस कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चों की मेरिट बनेगी, उसके बाद उनका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद के अंदर उनकी क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। इसके अंदर अपन बात करें, जो अपनी जो क्लासे चलेगी, अपना जो फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट का अपन कोचिंग जो चलेगी, अपनी क्लासेस चलेगी, वो कब तक चलेगी, एग्जाम तक चलेगी। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी क्लासेस कब तक चलेगी, एग्जाम तक चलेगी। उसके अलावा इसके अंतर्गत इस एग्जाम को देने के लिए उम्र आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी कैटेगरीज वाइज जो छूट है वो एक अलग चीज है। इस एग्जाम से रिलेटेड अपनी जो क्लासेज है, उसमें टेस्ट के बारे में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर टेस्ट कैसे रखोगे। वैसे तो दोस्तों, मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाता हूं उसके साथ साथ आज तक यूपीएससी एंड आरपीएससी के सारे जो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, सारों के टेस्ट एक साथ लेता हूँ, साथ साथ ही क्लियर करता हूँ, फिर भी अपन ने अलग से टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। तो अपना टॉपिक वाइज क्या होगा, टेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर हमारे को मैटर पहले मिल जाए या एक साथ ब्लॉक में मैटर मिल जाए। तो दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूं कि अपने जैसे से टॉपिक चलेंगे, क्लासेस जैसे से चलती जाएगी, वैसे वैसे आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। उस पीडीएफ को आप निकाल करके घर पे डायरेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा, और जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना सकते हैं। जो पीडीएफ नहीं लेना चाहते, पीडीएफ नहीं निकालना चाहते, फोटोकॉपी नहीं करवाना चाहते, वो आराम से क्या है, वो बच्चे आराम से नोट्स बना सकते हैं। और जिनको लिखने की प्रॉब्लम से, कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, उनको लिखने के लिए टाइम नहीं, सिर्फ सुनने के लिए टाइम है, वो डायरेक्ट पीडीएफ निकलवा सकते हैं। तो पीडीएफ और नोट्स का मैंने सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए, ताकि किसी को बच्चे को कोई प्रॉब्लम से नहीं हो। इसके अलावा न्यूज की बात है, न्यूज के अंतर्गत आज तक जितने करंट अपडेट्स होते हैं दोस्तों, कोई भी एग्जाम होता है उस एग्जाम के अंतर्गत एट प्रेजेंट में ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो जस्ट करंट से रिलेटेड आते हैं। तो मैं आपको हर अपडेट दूंगा, उसके अंदर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, एग्जाम से संबंधित हर सूचना आपको पहले दी जाएगी।
कि उसमें पेपर कैसा रहेगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या रहेगा, सारी सूचना आपको एडवांस में दी जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें रिपीट, आप बार बार क्लासेस को रिपीट कीजिए। रिपीटेशन ही कंपटीशन क्लियर करने का सबसे बड़ा जो मेथड्स होता है। रिपीटेशन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। आप एक एक टॉपिक को, एक एक क्लास को 10-10 बार रिवीजन कीजिए, याद मत कीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपन बात करें तो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो कॉमन है, इसलिए यदि कोई सेकेंड ग्रेड की साथ में तैयारी करना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट ग्रेड की करें सेकेंड ग्रेड की करें। दोस्तों जिनका फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर अच्छे तरीके से क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है, वो फर्स्ट ग्रेड की कीजिए। जिसने पहले कर रखी है फर्स्ट ग्रेड की कीजिए। जो बच्चा जिसको नीट की तैयारी कर रखी है, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट क्लियर है, वो सेकेंड ग्रेड की कीजिए। बट बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दोनों एग्जाम कैसे होगी, दोनों एग्जाम लगभग साथ साथ होगी, महीने दो महीने का गैप होगा। इसका नाम फर्स्ट ग्रेड के लायक हो तो पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए और उसके बाद के अंतर्गत आपको लगता है कि दोनों को साथ साथ करनी है तो साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी तो कॉमन होगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़नी है उनको, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके अलावा अपन बात करें, यहां अभी जो अपन बात करें कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के अंतर्गत पेपर को समझिए, पेपर का पैटर्न आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। देखो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत दो पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है सभी के लिए कॉमन होता है, जितनी व्याख्याता होती हैं, जितने फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चर के सब के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, फर्स्ट पेपर सबका क्या होता है, कॉमन पेपर होता है। सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो हर ग्रुप के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, हर ग्रुप के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। अब फर्स्ट पेपर के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में कितने क्वेश्चन आते हैं, 75। वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि अपन कितने नंबर के, कितने अंक का होता है, कितने अंक का पेपर होता है, तो हर क्वेश्चन दो नंबर का होता है, कितने अंक का होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। अब इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट वेन वेरी सिंपल। फर्स्ट पेपर के अंदर लगभग अपन देखें तो हर पार्ट से 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं, वेरी सिंपल। जैसे अपन बात करें हिस्ट्री वाला पार्ट है तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 का मतलब हिस्ट्री के 3 पार्ट होगी, जैसे राजस्थान हिस्ट्री होगी, इंडिया हिस्ट्री होगी, अदर हिस्ट्री होगी। तो इसके अंतर्गत अपन बात करें तो हर पार्ट में से 5 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 3 पार्ट है तो कितने हो गए, 15। यदि अपन बात करें देखो मैथ है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, इन सब के कितने हैं, हर किसी में से 5-5 है तो कितने हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। यदि अपन बात करें जीएस जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन सब को मिलाकर के कितने हो गए, 15। मतलब हर किसी में से कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर के 3 पार्ट होते हैं तो कितने हो गए, 15 क्वेश्चन। और एजुकेशनल मैनेजमेंट के कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन। इस प्रकार दोस्तों अपन बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर आप ढंग से देखो टोटल इसके अंतर्गत कितना आ गए, 75 क्वेश्चन आ गए। आपको हर पार्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि इस 75 में से आपको सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आपका 60 से प्लस में मार्क होने चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पेपर को आप कम मत आंकिए। हाँ, इसमें जैसे आपको इंग्लिश हार्ड लगती है तो इंग्लिश को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको मैथ इंग्लिश की जगह छोड़ करके रीजनिंग और रेस्ट पार्ट है उसको पढ़िए आराम से। ये पार्ट दोस्तों बहुत सिंपल पार्ट होता है, इसको आप आराम से व्यवस्थित तरीके से टाइम दे करके क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके अंतर्गत आप व्यवस्थित तरीके से इसको टाइम दीजिए, पर डे 2 घंटे इसको दीजिए। यदि आप पर डे 2 या 3 घंटे इसको दोगे तो आप सारा का सारा पार्ट इस टारगेट को क्लियर कर जाओगे। यदि ये टारगेट क्लियर नहीं हुआ, चाहे पेपर हार्ड आता है चाहे सिंपल आता है, ये टारगेट तो आपको रहेगा ही रहेगा। ये टारगेट नहीं क्लियर होता है तो दोस्तों आप सिलेक्शन से आउट हो जाओगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेक्शन का, सबसे रीड जो पार्ट है वो क्या है, ये है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के अंदर अपन बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 150 क्वेश्चन है इसमें।
यदि अपन बात करें इसमें नंबर कितने हैं तो 300 नंबर का है, टोटल पेपर कितना होता है 450 का। दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सिंपल है, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। 11th और 12th की जो बुक होती है उसमें से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन आते हैं। 11th और 12th की जो बुक्स है उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 55। आपने जो ग्रेजुएशन पढ़ा है, बी लेवल की डिग्री पढ़ी है, उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन। इसके अलावा आपने पीजी लेवल का जो मैटर पढ़ा है, एम लेवल का, उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, 10। और साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 30। अर्थात टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 150। आप थोड़ा ढंग से देखो, इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत लगभग 130 क्वेश्चन के आसपास साइंस के, जो अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के, तो 130 क्वेश्चन, मतलब 55 ही हो गए, 10 ही हो गए और 2-3 इसमें से हो जाते हैं, और जीएस के कुल मिलाकर के 130 क्वेश्चन का मैटर है, वो साइंस का आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो। कहने का मतलब 450 में से 260 नंबर तो आप डायरेक्ट तुरंत क्या कर सकते हो, ला सकते हो, और यदि इसमें से 60 क्वेश्चन करते हो तो 120 नंबर ये ला सकते हो। अर्थात आपको यदि अपन डायरेक्ट देखें तो 380 अर्थात 290 वाला सिलेक्ट हो जाता है, तो बहुत आसान है सिलेक्शन। बट आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एग्जाम कैसे होती है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, फर्स्ट पेपर में क्या होता है, सेकंड पेपर में क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट आता है, कितने कितने क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। यहां पर अपन स्पेशली जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए अपनी जो क्लासेस चला रहे हैं वो चला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपना ऐप है, उस ऐप का नाम है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट है, किसी स्टूडेंट को साइंस कर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। दोस्तों मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, मेरी जो ऑनलाइन बायोलॉजी की जो क्लासेस चलेगी उसमें से मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने दूंगा। आप अरेंज तरीके से कीजिए, ये अपना बैच शुरू हो चुका है, ऐप पर क्लासेस शुरू हो चुकी है, 50 क्लास हो चुकी है। आप व्यवस्थित तरीके से एक एक क्लास को अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए। आपके पास एग्जाम लगभग, यदि अपन बात करें तो वैकेंसी के लगभग एक साल का आपको टाइम मिलेगा, और एक साल के अंदर आप अपने सिलेबस को, कोर्स को 20 बार पढ़िए। मेरी एक एक क्लास सारी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, इसलिए आप उसको एक एक क्लास को 10-10 बार पढ़िए, ताकि आपको किसी भी टाइप का कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी शुरू कीजिए। जिन बच्चों ने रीट की तैयारी की थी, किसी कारण का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो बच्चे आराम से क्या कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए, ताकि आप आराम से व्यवस्थित तरीके से क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। अभी रीट के अंदर लगभग अपन साइंस के बारे में बात करें तो अपन साइंस की जो सीटें आ रही है, साइंस की जो नंबर्स आ रही है, इसके अंदर अपन बात करें लगभग 2500 सीटें आएगी। रीट के अंतर्गत लगभग अपन बात करें तो टोटल कितनी सीटें आएगी, 2500 सीटें आएगी। इसलिए दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का रीट के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो व्यवस्थित तरीके से, अरेंज तरीके से तैयारी शुरू कीजिए, और अपना जो ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाकर के डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और वहां से क्लासेस को क्या कर सकते हो, रेगुलर कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि ऑनलाइन बेस्ट है, ऑफलाइन बेस्ट नहीं है। ऑनलाइन आप देखो घर बैठे पढ़ सकते हो, आपको इधर उधर कोचिंग में घूमना नहीं पड़ेगा, टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा, इकोनॉमी खराब नहीं करनी पड़ेगी, पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा अपन बात करें, आप ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत 5 घंटे का जो मैटर होता है वो ऑनलाइन के अंदर एक क्लास के अंतर्गत क्लियर हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर वो डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तुरंत आप मैसेज छोड़िए, आपको तुरंत क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। और ऑनलाइन क्लास में डाउट छोड़ते ही नहीं, ऑफलाइन में तो चलो ये रहता है कि अलग टाइम हो गया, कंप्लीट हो रहा है, 45 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम है, क्लासेस कंप्लीट हो रही है, मैटर करवाना है, फटाफट कंप्लीट कराना है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन में डाउट नहीं छोड़ते, उसमें मैटर ही मैटर देना होता है,
इसलिए डाउट नाम की कोई चीज ही नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों ऑनलाइन बेस्ट है। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के स्टोर कीजिए, व्यवस्थित तरीके से क्लासेस शुरू कीजिए और ऑनलाइन ऑफलाइन की तुलना में मात्र 1/5 रेट पर मिलता है, अर्थात इकोनॉमिकली भी क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। इसलिए आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताइए कि बायोलॉजी की ऐसी क्लासेस चलती है जहां पर आप पूरे ओवरऑल इंडिया का किसी कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत सोल्व कर सकते हो, आपको एक सिंगल क्वेश्चन के अंतर्गत कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों।